तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोशनी आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और नावी से रिलेटेड मैं कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ जो आप लोग अजमाई और अजमा के कमेंट कीजिएगा ऐसे, क्योंकि ऐसे तो मैं बोल नहीं सकती। आप लोग कमेंट कीजिए ऐसे हाई वे लिख कर, आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आप लोग बताने जा रही हूँ तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिए और सुनकर ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। एक चम्मच आंवला का पाउडर लेना है और आंवला का पाउडर में मिलानी है नींबू का रस। और नींबू का रस मिलाकर उसको नाभि को साइड साइड में लगानी है, मतलब उसके ऊपर ही लगानी है, साइड में लगानी है। तो आप लोग इसको ट्रिक को ज़रूर आजमाइए और आजमा के ज़रूर मुझे भी बताइए, कमेंट करके बताइए। क्योंकि अभी मेरा नाभि का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकती, आप लोग जरूर कर सकते हैं। और इससे पता है क्या है, ये गैस का भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि नींबू तो होता ही है हमारा सेहत के लिए, गैस के लिए। और आंवला भी आप लोग जानते हैं, आंवला भी कितना हेल्दी होता है, और हेल्दी नहीं होता है जैसे क्या बोलते हैं इसको, जो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये गैस ख़त्म करता है पेट दर्द और कुछ भी हो पेट में, तो उसको सही करता है, शरीर स्वस्थ लगने लग जाता है। आंवला का रस खाते रहिए, पीते रहिए, रस नहीं मतलब आंवला खाइए। तो दोस्तों मैं तो अभी जस्ट मतलब नहा धोवा कर आई थी, और मैं अपना कंघी भी नहीं की हूँ अभी तक, क्योंकि बाल सूखने तक का इंतजार कर देख रहे हैं। कंघी नहीं की हूँ तो कंघी का बेकार लग रहा है बाल, बेशक कैमरा में अच्छा दिख रहा होगा पर ना रियल में अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि रियल में बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। और एक बात और है कि आंवला खाने से बाल नहीं गिरता है दोस्तों। तो आंवला तो बहुत ही अच्छा होता है, खाने पे भी अच्छा, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा तो मेरे बाल देखिए, और मेरे बाल के लिए भी आप लोग कोई ट्रिक बता दीजिए, क्योंकि मेरा बाल कैसा बहुत ज़्यादा झड़ रहा है।